नमस्कार दोस्तों, आज हमने बनाया आंवला कैंडी, आंवला जैम और आंवला आंवले का जो गटागट, ठीक है। और इनका बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, कम समय में बन जाता है। तो यहाँ पे हमने आंवला लिया है और हमने अच्छे आंवले लेने हैं, बड़े साइज़ के लेने हैं, और जो ख़राब आंवला है उसको निकाल देंगे हम। अब आंवला को क्या करना है, हमने इसे उबालने रखना है। इसको हमने कुकर में नहीं उबालना बिल्कुल भी। तो आंवले को मैं सभी आंवला उबाल दूंगी और ख़राब आंवला इन्हें सुखा के रख लूंगी, तो ये भी हमारे काम आते हैं। तो ये हमें धूप में अच्छे से सुखाना है। अब ये देखिए आंवला हमारे गल चुके हैं, तो अब मैं इन्हें निकाल दूंगी छलनी में और इसे ठंडा होने दूंगी। अब ये ठंडे हो चुके हैं, अब देखते हैं मतलब इसके जो पीसीस हैं वो कर लेंगे हम। तो सबसे पहले हम चाशनी रखेंगे, आधा कप पानी डाला है मैंने, 300 ग्राम मैंने मिश्री डाली है। तो मिश्री को हमने ऐसे ही डाल दिया, ये मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर। और यहाँ पे आंवला को देखिए, इसकी कैंडी हम अलग अलग कर लेंगे, पीसीस कर लेंगे इसके, तो इससे क्या होगा ये जल्दी बनती हैं। अब यहाँ पे हम जितनी मैंने 250 ग्राम कैंडी ली है, 300 ग्राम मिश्री, इनके साथ में मैं इसे पका लूँगी और गोल्डन कलर होने तक इसे मैं सिम करके पकाऊंगी। तो ये मेरा 10 मिनट में बन करके तैयार हुआ था। तो अब ये देखिए कैंडी में कलर आ चुका है, अब मैं इनको निकाल दूंगी। तो आप चाहें तो चाशनी के अंदर रहने दें या फिर आप चाशनी से बाहर निकाल के रखें, तो ये ड्राई हो जाती हैं। और अगर चाशनी जो मैं आप रखना चाहते हैं तो चाशनी भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चाशनी देखिए मेरी बची है, तो चाशनी को भी हम आगे यूज करेंगे। और कुछ मैंने ऐसी चाशनी के अंदर डाल के रखा है कैंडी को। अब यहाँ पे जो बचा हुआ आंवला था मैंने उसे मिक्सी में पीसा, पेस्ट बना लिया। अब जो मेरी बची हुई चाशनी थी उसको भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी, और साथ में हम डालेंगे इसमें गुड़। तो गुड़ और चाशनी, मिश्री की चाशनी जो है वो हम यूज कर रहे हैं, चीनी का यूज यहाँ भी नहीं करेंगे हम। और इसको हम फुल फ्लेम पे पकाएंगे, और जब ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरह से, तब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। जो सादा नमक है वो डालेंगे, काला नमक डालेंगे, काली मिर्ची पाउडर, ये सब हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है। और ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे कि जैसे सौंठ डाल देते हैं लोग और बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, तो ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करना है, बहुत हल्के मसाले ऐड करने हैं। इसमें तीखा फ्लेवर जो है काली मिर्ची पाउडर से आएगा, काले नमक का फ्लेवर रहेगा, सॉल्ट का जो फ्लेवर रहेगा, बस इतना हमें रखना है। और अब इसको हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये कढ़ाई से स्लिप ना होने लगे। तो जब ये इकट्ठा होने लग जाएगा तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। तो आप चाहें तो इसे कंटिन्यू ना चलाएं, ऐसे ही छोड़ दें तो ये पकते रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमने टेस्ट किया था, तो हमारा नमक काली मिर्ची थोड़ा कम था, तो हमने काला नमक और काली मिर्ची पाउडर फिर से और डाला, और इसे फिर से हम पका रहे हैं। तो अभी बस 2 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए जैम की तरह बना है, इस जैम को भी हम बर्नी में रख सकते हैं, इसको बच्चों को या खुद भी पराठा रोटी के साथ लगा के खा सकते हैं इसको। अब इसके हम थोड़े से गटागट बना लेंगे, ये ठंडा कर लिया हमने, अच्छे से जम गया है, तो इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे हम। तो हाथ में थोड़ा सा आप तेल लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं चिकना करने के लिए, और छोटे छोटे गोले बना करके हम इसे जो मिश्री है, हमने मिश्री को पीस लिया, मिक्सी में पाउडर बना लिया है, इसमें हम इसको रोल कर लेंगे। और ये हमारे गटागट बनके तैयार हैं, चटपटे, मीठे, खट्टे। तो ये हमारी आंवला की 3 तरह की रेसिपी बन करके तैयार है, बहुत ही लाजवाब लगती है और कम समय में बन जाती है ये। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।